सुप्रभात मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब विद्यालय में उपस्थित हैं। और जबकि एक तरफ आपने देखा होगा कि आज चमोली ज़िले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और हम लोग फिर भी विद्यालय में हैं। हमारे हिंदी के सहायक अध्यापक हैं दिलवर सिंह गढ़िया जी, आप इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से विद्यालय की सुंदरता पर आप चार चांद लगा रहे हैं, और आपके द्वारा ये देखिए किस तरीके से TLM के साथ साथ इस शिक्षक कक्ष की भव्यता और सुंदरता का आप बड़ा ही ख्याल रख रहे हैं। हमारे बीच में अंग्रेजी की सहायक अध्यापिका हैं श्रीमती आविदा खान मैम, और आप हैं श्रीमती सुशीला नेगी मैम, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान और हिंदी दिवस की डीन। मैं आपको कहूँगा आज हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती रजनी जुयाल जी, आप हमारे दर्शकों को हाई कर दीजिए। हिंदी के दिन भी हाय हाय हेलो सुप्रभात। बहुत ही शानदार कर्मठ शिक्षक हमारे विद्यालय के सभी लोग। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यशैली की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज जहां एक और सभी लोग छुट्टी पर होंगे, वहीं हम लोग यहां पर विद्यालय में आ रखे हैं। और कल हमारे विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर होना है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर, जिसके लिए अभी तक हम सब साथियों ने अपने ऑडिटोरियम को साफ़ किया। और कल हमारे बीच में सिविल जज माननीय शिव सिंह बिस जी होंगे, उन सभी को सुनेंगे। धन्यवाद हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी का आगमन शिक्षक कक्ष में। सर कह रहे हैं कि खटखट तो सही है, लेकिन खटपट सही नहीं है। आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस शुभ अवसर पर आप अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। धन्यवाद बिजनवाल सर, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और श्री गढ़िया जी को, जो कि अपने नवाचार के द्वारा बच्चों को जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनके TLM और अन्य जो उपकरण हैं जिनके सहयोग से वो विद्यार्थियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं उनकी आज इस अवसर पर पुनः प्रशंसा भी करता हूँ, अभिवादन भी करता हूँ, और ये मानता हूँ कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। साथ ही हिंदी प्रवक्ता रजनी जुयाल जो बच्चों को जो है बराबर प्रोत्साहित करती रहती हैं, और उनको कुछ ना कुछ नया लिखने के लिए, नया सोचने के लिए बाध्य करती रहती हैं। हम संपूर्ण विद्यालय परिवार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं हमारे बीच में रजनी जुयाल मैम हैं, आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने का कष्ट करेंगी श्रीमती रजनी जुयाल मैम। सभी को सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आप कम बोलती हैं लेकिन करती बहुत कुछ हैं। आपकी प्रेरणा से आपका जो परीक्षा फल रहता है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का, वही सब कुछ बयां कर देता है कि आप कहां तक और कितनी कर्मठ शिक्षिका हैं। हमारे बीच में राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता श्रीमती सुशीला नेगी मैम हैं, और आप बाल सखा प्रभारी भी हैं। आपके देशभक्ति गीत बहुत ही प्रसन्नता और आनंद का माहौल पैदा करते हैं हमारे छात्रों के बीच, देशभक्ति की प्रेरणा प्रसारित करते हैं। तो आपसे भी अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहने का कष्ट करें। सभी लोगों को मेरा स्वागत प्रणाम।
तो सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा, हिंदी हमारी पहचान है और हिंदी हमारी भारत माता की माटी की बिंदी है ना, जो कि बिंदी जो है एक बहुत मतलब सौंदर्य का और एक सम्मान का प्रतीक है। तो भारत माता की माथे की बिंदी हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें यह कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और लिखने बोलने में जो है हिंदी का क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा साधन बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारे बीच में श्रीमती आविदा खान मैम अपनी अंग्रेजी के लिए बहुत ही फेमस है और अपनी आवाज़ के लिए, जिनको राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली की कोकिला भी कहा जाता, स्वर कोकिला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आंग्ल भाषा की एक अध्यापिका होने के साथ साथ हिंदी को कितना आप जानती हैं, समझती हैं और कहाँ रखती हैं इस युग में? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भले ही मैं इंग्लिश की टीचर हूँ लेकिन भाषा तो हमारी हिंदी ही है, जो फीलिंग एक्सप्रेस करने में हिंदी में जो मज़ा आता है वो इंग्लिश में नहीं है ना, तो आई थिंक ये लाइन बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच आविदा मैम, और आपका बहुत शुक्रिया। ईश्वर आपकी इस मुस्कान को हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सर। और मैं अल्लाह ताला से गुजारिश और दुआ करता हूँ कि आप इनकी उम्र में चार चांद लगाएं, इनकी उम्र दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप कैमरा पकड़ लीजिए। जी सर। थैंक यू। हाँ, आप बिजलवान सर, आपने विचार प्रस्तुत करते हुए। हाँ नमस्कार, मैं मनोज बिजलवान, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली। मेरा मानना है कि हिंदी मेरी माता है और अंग्रेजी मेरी पत्नी है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हिंदी इज़ माय मदर एंड इंग्लिश इज़ माय वाइफ एंड बोथ ऑफ दीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना हिंदी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं अच्छी हिंदी नहीं जानता हूँ तो मैं अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। तो हालांकि अंग्रेजी आप जानते हैं कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, फिर भी हिंदी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हिंदी, जैसा कि अभी श्रीमती सुषमा नेगी मैम ने कहा कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी, बिना हिंदी के कुछ भी नहीं है। चाहे आप देखिए कि हिंदी की जो सार्थकता है, हिंदी की जो समृद्धता है, जो समृद्ध जितनी हिंदी है शायद कोई ही भाषा दुनिया की हो, और संस्कृत जिससे कि हिंदी का उदय हुआ है, जन्म हुआ है, वो तो दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और प्रामाणिक भाषा है। और भारत में कई सारी बोलियाँ भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें तो उर्दू भी का भी अपना एक इम्पोर्टेंट महत्व है, और हिंदी की यही खासियत है कि इसने सभी को चुना है, सभी को अपने साथ मिलाया है। और हिंदी तो बस क्या कहें, हिंदी इज़ माय पैशन, हिंदी जुनून है हमारा, और हिंदी के लिए जिएंगे, हिंदी के लिए मरेंगे, हिंदी के लिए काम करेंगे। और साथ में दुनिया जो ये बदल रही है, वैश्विक जो परिवेश है, इसके लिए हम बहुत काम करेंगे, सभी को गले लगा के चलेंगे। भाषाएं अन्य भी हैं लेकिन हिंदी सबसे पहले है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। धन्यवाद। हाँ।